चलिए बच्चों, आज जो है हम निश्चित समाकलन के भाग के बारे में बात करेंगे कि निश्चित समाकलन है क्या। इसके पहले हमने जो है इसी अध्याय में समाकलन के अंतर्गत जो है अनिश्चित समाकलन पढ़ा था, कठिन समाकलन पढ़ा था। अब उसी के आगे के भाग में निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन में हमने भाग एक में जो है ये कंटेंट लिया है, इसमें आप देखिए निश्चित समाकलन क्या है, निश्चित समाकलन है क्या, अनिश्चित तो पढ़ा हमने, तो निश्चित समाकलन क्या है, इसकी मौलिक प्रमेय क्या होती है, फिर उसके आगे पढ़ेंगे हम योगफल की सीमा से निश्चित समाकलन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे हमने लिमिट पढ़ा है तो लिमिट के द्वारा जो है कैसे हम जो है निश्चित समाकलन निकालेंगे किसी फलन का। फिर प्रतिस्थापन भी पिछला पढ़ा हुआ है हमारा, तो प्रतिस्थापन के द्वारा भी जो है हम कैसे समाकलन निश्चित समाकलन को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार जो है खंडसा समाकलन भी हमारा पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो वहां पर लिमिट का प्रयोग करके निश्चित समाकलन निकालेंगे। साथ ही जो है जो परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो इन सब बिंदुओं पर आज हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि निश्चित समाकलन है क्या। तो इसकी डेफिनेशन के रूप में, जैसे अनिश्चित समाकलन, तो अनिश्चित समाकलन में हमने देखा था अनिश्चित समाकलन का मतलब होता है वक्रों का परिवार, और वहां पर जो है कम अचर का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है वो उसका मान तुम्हारे जो है यूनिक नहीं होता या अद्वितीय नहीं होता है, और यहाँ पर निश्चित समाकलन का मान जो है यूनिक होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन fx दिया हुआ है और उसका समाकलन हमको कैपिटल fx के रूप में प्राप्त हो रहा है। कोई भी जैसे फंक्शन लिया, मान लो x लिया तो हमको मिलेगा x square upon 2, या sin x हमने फलन लिया है तो sin x का समाकलन माइनस का x होगा। इस प्रकार से मान लीजिए कोई भी हमारा एक फलन है उसका समाकलन हमको fx प्राप्त होता है, और हमारे पास जो चर है चाहे वो x हो या t हो, निश्चित समाकलन में चर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, t भी ले सकते हैं आप, x भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने x चर लिया है और वो x चर जो है a से b तक परिवर्तित होता है, तो उस समय जो हम समाकलन करेंगे fx dx a टू b, और समाकलन हमारा आया fx के रूप में, तो यहाँ पर जो a है इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, निम्न सीमा, और जो ऊपर लगी हुई है ये अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। इन चूंकि x का मान a से b तक वेरी हो रहा है तो लिमिट इसको पढ़ते हैं लिमिट a टू b fx dx इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि हमने माना था इसका समाकलन fx है, कैपिटल fx है, तो fx और ये a टू b, ऊपर में जो है अपर लिमिट होती है, नीचे जो है लोअर लिमिट होती है, और इसको जो है जो समाकलन आया उसमें सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लेते हैं, और इससे जो है हमको एक मान प्राप्त होता है, इसी मान को जो है हम निश्चित समाकलन कहते हैं, और इसका मान जो है अद्वितीय होता है, इसका मान अद्वितीय होता है। और चर्चा की मैंने, ए को निम्न सीमा बोलते हैं, बी को उच्च सीमा बोलते हैं, और इसे ही निश्चित समाकलन की मौलिक प्रमेय भी कहा जाता है। तो इस मौलिक प्रमेय के आधार पर जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा आता है, जैसे मान लीजिए इसी मौलिक प्रमेय में हमको प्रश्न हल करना है और लिमिट हमको दी हुई है, तो इस पर आधारित मान लीजिए कोई एक छोटा सा प्रश्न ले लिया हमने, मान लो कि एक्स स्क्वायर ये हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको यदि हमको हल करना है और लिमिट भी दी हुई है 1 से लेकर के 2 तक एफ एक्स डी एक्स और एक्स स्क्वायर 1 टू 2 डी एक्स, तो मौलिक प्रमेय के आधार पे जैसे समाकलन हम करते हैं तो समाकलन एक्स क्यूब अपान 3 और लिमिट 1 से लेकर के 2 तक हो जाएगी। अब अनिश्चित में केवल इतना कर देते थे प्लस सी लिखते थे, अब हमको यहाँ पे लिमिट में मान रखना है, तो 2 का क्यूब अपान 3 माइनस 1 का क्यूब अपान 3, तो 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 7 अपॉन 3, और ये वैल्यू आपकी यूनिक होती है, इसलिए इसको जो है निश्चित समाकलन को अद्वितीय समाकलन भी माना जाता है, या इसका मान अद्वितीय होता है ये बोला जाता है। तो अब इस पर आधारित जो है
हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद जो है ये सीमा प्रमेय के बारे में भी बात करेंगे। कुछ प्रश्नों को लेते हैं यहाँ पर हम मौलिक प्रमेय पर आधारित। मौलिक प्रमेय पर आधारित जो है, जैसे मान लीजिए हमने एक फलन ले लिया इंटीग्रल के रूप में यहाँ पे, उसमें इंटीग्रल आई इज इक्वल टू टू से लेकर के थ्री और वन अपान एक्स डी एक्स है। मान लीजिए ये हमको फंक्शन दिया हुआ है वन अपान एक्स के रूप में, जिसमें लिमिट दी है टू से लेकर के थ्री डी एक्स। तो वन अपान एक्स का लॉग एक्स हमको पता है कि वन अपान एक्स का समाकलन कितना होता है, लॉग एक्स होता है, तो टू से लेकर के थ्री तक इसकी लिमिट। तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बस हल कर लिया और उसमें अनिश्चित में केवल हम समाकलन करते थे और प्लस सी लिख देते थे। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है अपर लिमिट, तो लॉग थ्री माइनस लॉग ऑफ टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई इज इक्वल टू लॉग वाले फार्मूले से लॉग थ्री अपान टू, और ये हमारा आंसर था। तो ऐसे हमको जो है निश्चित समाकलन में प्रश्नों को हल करना है और प्रश्न हल करने के बाद हमको लिमिट मान भी रखना है। दूसरा और कोई प्रश्न लिया, लिमिट दी है मान लीजिए हमको जीरो से लेकर के थ्री, जीरो से थ्री तक एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। बहुत सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और लिमिट दी है जीरो से लेकर के थ्री तक। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स थ्री अपॉन थ्री और प्लस ऑफ एक्स और लिमिट दी है हमको जीरो से लेकर के थ्री तक। तो इंटीग्रेशन आई लिमिट रखें तो थ्री का क्यूब अपॉन थ्री प्लस ऑफ थ्री, और बाद में लेंगे तो देखिए जीरो और फिर माइनस ऑफ जीरो के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो i इज इक्वल टू थ्री का क्यूब 27 अपॉन थ्री, तो ये हमको 9 के रूप में, सॉरी प्लस थ्री 9 हो जाएगा और प्लस थ्री, तो 9 प्लस थ्री इज इक्वल टू 12, ये हमारा हमको आंसर प्राप्त होगा। तो ऐसे समाकलन वही है, केवल अब हमको लिमिट रखना है यहाँ पर, और लिमिट रखते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, बाकी कुछ नया है नहीं है इसमें, वही हमारा पढ़ा हुआ है। अब एक सवाल मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई लिमिट दी है हमको वन से लेके रूट थ्री और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स के रूप में। आपको पता होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर लिमिट वन से लेके रूट थ्री, बस अब इनवर्स है तो थोड़ा सा लिमिट रखते समय सावधानी बरतनी है हमको। लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट पहले, तो टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स वन। अब ये देख लीजिए आप, टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन होता है, तो पाई बाई फोर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन हो जाएगा। इसी प्रकार टेन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री होता है, तो पाई बाई थ्री इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ऑफ थ्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर, एलसीएम हो जाएगा आपका ट्वेल्व, तो फोर पाई माइनस थ्री पाई, दिस इज पाई अपॉन ट्वेल्व, ये आपका इंटीग्रेशन के रूप में प्राप्त हो जाएगा आपको आंसर। तो हमको जो है आगे और इसी प्रकार के कुछ प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों को हम देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा भी सवाल मिला, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसकी लिमिट दी है जीरो से लेके पाई बाई फोर,
अब चूंकि टेन स्क्वायर तो समाकलन में है नहीं है, तो इसको जो है 0 to π/4 सीधे चेंज कर दे हम sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये dx अब अलग अलग समाकलन के रूप में, या सीधे अब टेन स्क्वायर x का जो है sec स्क्वायर x का 10x हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट आपको ये बता दी 5/4 के। तो 10π/4 पहले अपर लिमिट 10π/4 माइनस पाई बाई 4, 10π/4 माइनस पाई बाई 4 माइनस 10 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ 0। पहले हमने अपर लिमिट रखा माइनस करके लोअर लिमिट, तो 10π/4 इज इक्वल टू 1 एंड माइनस पाई बाई 4 और इधर तो सब 0 हो जाएगा। तो ये आपको इंटीग्रल का आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार और कुछ प्रश्नों को देखेंगे आगे, उसके पहले जो है हम इस योगफल की सीमा की प्रमेय के बारे में जो है निश्चित समाकलन कैसे प्राप्त करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। योगफल की सीमा, योगफल की सीमा से निश्चित समाकलन, मान लो एफएक्स अंतराल ए बी में संतत फलन है, अब ये हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में मान लीजिए y इज इक्वल टू एफएक्स, हमने एक फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पर जो है लिमिट ए, और क्योंकि ये फंक्शन ही कहा गया कि एफ एक्स जो है संतत फलन है और संतत फलन कहाँ पर है, क्लोज्ड इंटरवल ए से पी के बीच। अब इसको हमने जो है छोटे छोटे पट्टियों में डिवाइड कर लिया इस पूरे भाग को, क्योंकि इस पूरे भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये ऐसी आकृति तो का क्षेत्रफल ज्ञात करना दिक्कत है, यदि मान लीजिए त्रिभुज हो चतुर्भुज हो आयत हो, लेकिन इस प्रकार वक्र वाली आकृति को हमको ज्ञात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए पट्टियों की चौड़ाई जो है वो h के बराबर है। अब इसको हमने जो है पहले वाले भाग को यहाँ एक्स जीरो, फिर अलग लिया हमने एक्स वन, फिर ले लिया एक्स टू, ये एक्स आर, और ये लास्ट में हमने ले लिया इसको एक्स एन के बराबर, बी एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेकर के हम एक्स एन तक मतलब जो है, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई को जो है हमने एच के बराबर लिया है। यदि ये पट्टी को और पास में लाएं तो ये जो है ये चित्र एक आयत के रूप में मतलब यहाँ पर बन जाएगा, तो ऐसी प्रत्येक जो पट्टियां हैं वो आयताकार भाग के रूप में डिवाइड हो जाएंगी। तो छोटे छोटे आयतों का यदि हम क्षेत्रफल, लेकिन वो कब होगा जब h को जो है हम और छोटा करते जाएं या जीरो की ओर अग्रसर करें, इस स्थिति में ये जो पट्टियां हैं एकदम नजदीक हो जाएंगी, और नजदीक होने पर ये जो छोटे छोटे भाग है वो आयत के रूप में। तो यदि हम प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और सभी आयतों के क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो ये पूरे वक्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, और ये पूरे वक्र का क्षेत्रफल ही निश्चित समाकलन कहलाता है। यदि हम इसको बिंदु ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी और ये डी, तो पूरे वक्र का जो क्षेत्रफल ए बी सी डी ए इतने पूरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह हमारा निश्चित समाकलन के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया है ए बराबर एक्स जीरो या एक्स जीरो बराबर ए के रूप में जो भी है। अब यदि एक्स जीरो बराबर ए, उसके बाद हमने आगे चला तो एक्स वन इज इक्वल टू एक पट्टी यहाँ पे एच जिसकी चौड़ाई एच के बराबर है, ये एच हो गया। फिर हमने एक्स टू लिया तो ए प्लस टू एच हो गया, फिर एक्स थ्री लिया तो ए प्लस थ्री एच, चलते चलते हम गए तो एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस एन एच हो जाएगा। चूंकि एक्स एन के बराबर, एक्स एन के बराबर कितना है बी है, तो बी माइनस ए
इज इक्वल टू एन एच या बी माइनस ए अपॉन एन इज इक्वल टू एच। ये हमारी एच की वैल्यू आ गई एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन के रूप में। अब देखिए यहां पर यदि मान लीजिए एच जीरो हो जाए, एच जीरो हो जाए यानी ये पट्टी तो एकदम छोटी यानी इसके करीब में हो जाए, एच यदि लिमिट एच टेंस टू जीरो तो एच टेंस टू जीरो तो यदि ये जो पट्टियां पास पास में होगी तो ये अनंत पट्टियां यहाँ पर बीच में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो है अनंत पट्टी के होना मतलब ये छोटे छोटे अनंत भाग हम में डिवाइड कर लेंगे तो n टेंज टू इंफिनिटी जो आप यहाँ पर भी देख रहे होगी कि n टेंज टू इंफिनिटी तो h इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा या h इज इक्वल टू जीरो तो n टेंज टू इंफिनिटी। तो अब जो है ये हमारी पट्टियां करीब में होने पर प्रत्येक आयत के रूप में प्राप्त हो रही है। हमको पूरा क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है, मान लीजिए उस क्षेत्रफल को हम Sn के रूप में करें तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो पहले वाली पट्टी की बात करें जो आयताकार हो गई है तो आयत की लंबाई यदि ये a है तो ये भाग जो है उसकी लंबाई fa के बराबर हो जाएगी तो और चौड़ाई उसकी h है तो h इंटू fa। प्लस बात करें दूसरे वाली पट्टी भी उतनी बड़ी तो h और f a प्लस एच प्लस एच एफ ए प्लस टू एच इस प्रकार टेंस टू एच एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच के रूप में हमको प्राप्त हो गया। तो यहां पर इसको हमने सभी जो क्षेत्रफल है हमारे उन क्षेत्रफलों को हमने जो है अलग अलग जोड़ दिया निकाल करके। अब यहां से जो है क्योंकि कंडीशन है यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो तभी तो ये आयताकार होंगे नहीं तो ये तो कर्व के रूप में टेढ़ा भाग तो यहाँ का क्षेत्रफल बचा रह जाएगा। तो जब एच का मान शून्य की ओर अग्रसर हो तो कंडीशन हमको यहाँ पे लिखनी है लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ देख रहे हो आप एच 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 सभी में कॉमन है तो हमने एच बाहर ले लिया और ये एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस टेंस टू एफ ए प्लस एन माइनस वन एच के रूप में एफ ए माइनस एन एच के रूप में जो है हमको ये प्राप्त हो गया ये एस एन के बराबर। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो तो एच इज इक्वल टू कितना है हमारा एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस लिमिट बी माइनस ए अपॉन एन लेकिन अब हमको लिखना पड़ेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी और एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस टेंस टू एफ ए प्लस एन माइनस वन एच के रूप में। या इसको लिमिट से बाहर भी कर लेते हैं तो ये एस एन और इसी एस एन को जो है क्षेत्रफल हमने क्या दिया था नाम ए बी सी डी ए क्षेत्रफल ए बी सी डी ए बराबर लिमिट ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी या एच टेंस टू जीरो ऐसे भी लिख सकते हैं एच टेंस टू जीरो एच और ब्रैकेट के अंदर एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच टेंस टू एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये हमको जो है एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। इसे जो है हम निश्चित इसे ही हम निश्चित समाकलन या योगफल की सीमा में निश्चित समाकलन कहते हैं। तो ये सूत्र प्राप्त हुआ इस सूत्र के द्वारा भी जो है हम समाकलन किसी भी फलन का समाकलन हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका मान जो है ये क्षेत्रफल ए बी सी डी ए के बराबर तो या एरिया ऑफ इसको ऐसे बोला जाता है एरिया ऑफ कर्व
कर्व x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस, यानी x अक्ष x बराबर a, x बराबर b के जो भाग का जो क्षेत्रफल है ये पूरा का पूरा आपका निश्चित समाकलन कहलाता है, x अक्ष के ऊपर ही। तो ये योगफल की सीमा कहलाती है, इसके द्वारा जो है आपका योगफल की सीमा के द्वारा किसी भी फलन का समाकलन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको कई बार परीक्षा में भी योगफल की सीमा के रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको देखिए। अब इस पर आधारित जो है हम एक सवाल भी देख लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने इसको हल किया है और योगफल की सीमा जो है क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है, लिमिट पहले हम इसकी 0 से लेकर के 5 तक, 0 से 5 x प्लस 1 dx, ये हमको का मान ज्ञात करना है, का मान योगफल की सीमा के रूप में से ज्ञात करना है। दिया है fx इज इक्वल टू x प्लस 1, यहां पर a इज इक्वल टू 0 दिया है, b इज इक्वल टू 5 दिया है, तो हमको h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, यानी 5 माइनस 0 अपॉन n, तो हमको 5 अपॉन n प्राप्त हो गया, या दूसरे शब्दों में कहें कि nh इज इक्वल टू 5 हमको यहां प्राप्त हो गया। अब योगफल की सीमा, योगफल की सीमा से हम जानते हैं लिमिट a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस f a प्लस h प्लस टेंस टू f a प्लस n माइनस 1 h, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने यहां पर। इन सब सूत्रों में हम मान रखेंगे, लेकिन हमको यहां दिया हुआ है लिमिट 0 टू a, a बराबर 0 और b बराबर, तो हम यदि इस प्रश्न में इसकी तुलना करें तो 0 टू 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f a के स्थान पे, चूंकि a इज इक्वल टू 0 है इसलिए यहाँ पर f 0 हो जाएगा, f 0 प्लस h हो जाएगा, प्लस f 0 प्लस n माइनस 1 h, इस प्रकार से इसका योगफल की सीमा का सूत्र हो जाएगा। अब सारे हमको मान निकालना है और ये मान इस सूत्र में हमको मान रख देना है। अब यदि बात करें हम कि fx हमको दिया है fx इज इक्वल टू x प्लस 1, बात करें 0 तो f 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, f 0 प्लस h उसके बाद आता है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h प्लस 1 तो h प्लस 1 प्राप्त हो गया हमको, f 0 प्लस 2h तो 0 प्लस 2h क्योंकि x प्लस 1 तो 2h प्लस 1, तो ये हो गया 2h प्लस 1। फिर चले हम तो f 0 प्लस n माइनस 1 h की बात करते हैं, तो ये 0 प्लस n माइनस 1 h और साथ में प्लस 1 भी आएगा, तो ये सारे मान हमको यहां पर आ गए। इन मानों को हम समीकरण एक में रख देते हैं, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर अब ये देखिए आप लिमिट 0 टू 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h, अब यहां पे देखिए f 0 का मान, f 0 इज इक्वल टू 1, f 0 प्लस h इज इक्वल टू h प्लस 1, फिर 2h प्लस 1, फिर आ गया आपका
थ्री एच प्लस वन, फिर लास्ट में यदि हम चले तो ये आ रहा है हमको एन माइनस वन एच प्लस हाफ वन के रूप में प्राप्त होगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच वन 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 एन टाइम्स वन प्लस वन प्लस वन एन बार, एन बार आ रहा है जैसे एक बार एक को हम पांच बार जोड़े तो पांच हो जाएगा, छह बार जोड़े तो छह बार हो जाएगा, वैसे एन बार जोड़े तो एन हो जाएगा। तो प्लस यहाँ अब बच गया हमारे पास एच टू एच थ्री एच, एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस एन माइनस वन इंटू एच, वन को हमने इधर एन में ले लिया। फिर आप देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ये तो हमारा एन हो गया, प्लस यहां से हमने एच को कॉमन ले लिया, एच को कॉमन लिया तो वन प्लस टू प्लस थ्री और ये एन माइनस वन तक, ये भी एक समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद एक है, सर्वांतर भी एक होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि पदों की संख्या एन माइनस वन है, और यदि हमको इस प्रकार से योगफल निकालना हो प्रथम पद और अंतिम पद दिया तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, जहां पर एन पदों की संख्या है, ए प्रथम पद है और एल जो है अंतिम पद है, ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र है। अब इस सूत्र में हम मान रखें, मैं यहां से कुछ तो लिमिट 0 टू 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट के अंदर ये n प्लस h, और यहां देखिए समांतर श्रेणी है तो पदों की संख्या n माइनस 1, तो n माइनस 1 अपॉन 2 और प्रथम पद एक और अंतिम पद n माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एन प्लस एच, ये देखिए एन और ब्रैकेट में एन माइनस वन अपॉन टू। अब एच का गुणा कर देते हैं अंदर में, अब एच का गुणा किए तो एच का गुणा करने पर आप देखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो गया एन एच प्लस, यहाँ पर NH पहले से ही है NH, और इस H का गुणा अंदर किए हमने तो NH माइनस H और अपॉन 2 के रूप में। मैंने थोड़ी देर पहले अभी ऊपर में लिखा था NH इज इक्वल टू 5, NH इज इक्वल टू 5 यानी H इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N होता है, तो H इज इक्वल टू 5 माइनस 0 अपॉन N, NH गुणा किए तो ये 5 के बराबर, तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ हम 5 रखते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये 5 हो गया प्लस ऑफ 5 हो गया अंदर में 5, और अब लिमिट भी रख देंगे अपॉन 2, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट रखने पर, तो लिमिट रखेंगे तो 5 और लिमिट एच टेंस टू जीरो तो ये 0 हो जाएगा 5, तो ये 25 अपॉन 2 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ गया 10 और 25 तो 35 बटे 2 के रूप में ये हमको 0 टू 5 एक्स प्लस 1 डीएक्स का योगफल की सीमा के रूप में हमको समाकलन प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए हमको अपने उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच कि ये सही है या नहीं है, हम 2 मिनट में उत्तर की जांच कर सकते हैं मौलिक प्रमेय के द्वारा। लिमिट 0 टू 5 x प्लस 1 dx ये देखिए तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ x लिमिट 0 टू 5,
लिमिट लिया हमने तो 5 का वर्ग 25, 25 बटे 2 और धन 5 और इधर लेंगे तो 0 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया 35 बटे 2। यानी मौलिक प्रमेय के द्वारा भी हम हल कर सकते हैं और योगफल की सीमा के द्वारा भी हम किसी फलन का निश्चित समाकलन प्राप्त कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे दोनों के आंसर आपस में बराबर आ गए, बराबर हमको प्राप्त हो गए। तो और भी प्रश्नों का जो है इनमें अध्ययन किया जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं। अभी हमको प्रतिस्थापन पर भी प्रश्न हल करने हैं और प्रतिस्थापन के बाद जो है खंडसा समाकलन पर भी आधारित हमें कुछ प्रश्न हल करने हैं। तो प्रतिस्थापन के लिए जो है जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिया प्रतिस्थापन, मान लो हमने कोई निश्चित समाकलन का सवाल लिया लिमिट वाला, मान 1 to √3 है, मान के चले 1 से लेकर के √3 लोअर लिमिट 1 √3 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx है, मान लीजिए यही सवाल है हमारा। अब प्रतिस्थापन है तो यहाँ पर हम यहाँ मान लें tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज के लिए tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 और अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो लिमिट चेंज हो जाएंगी हमारी पाई बाई 3 से लेकर के पाई बाई 4 तक। tan इनवर्स x को हमने t माना है और ये हमको dt प्राप्त हो गया, तो t स्क्वायर अपॉन 2 विथ लिमिट पाई बाई सॉरी पाई बाई 4 टू पाई बाई 3, पाई बाई 4 से पाई बाई 3 के बीच में, तो 1 अपॉन 2 को भी कॉमन लेकर के पाई अपॉन 3 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 और ये पूरा सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेकर के, तो हमको जो है पाई स्क्वायर 7 पाई स्क्वायर अपॉन 288 ये आंसर के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको प्रतिस्थापन के द्वारा भी प्रश्नों को हल करते आना चाहिए। और जैसे भी प्रतिस्थापन की बात आई तो जैसे प्रतिस्थापन आप हल करें तो सबसे पहले ध्यान ये रखें कि भाई आपको लिमिट भी चेंज करना है और यदि आप लिमिट चेंज नहीं कर पाए तो आप का करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, लिमिट 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी, मान लीजिए ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आप कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया, तो ऊपर है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या माइनस को उधर करें हम तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, इसको भी मान लिया हमने इंटीग्रेशन आई के बराबर, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लिमिट चेंज, तो जीरो जब कॉस जीरो तो टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, जब पाई बाई टू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 1 से लेकर के 0 cos 0 इज इक्वल टू 1 और cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस चिन्ह है माइनस को बाहर ले लें, 1 टू 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ये इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स
जीरो माइनस टेन इनवर्स वन। अब देखिए माइनस टेन इनवर्स जीरो तो जीरो हो जाएगा, टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन, तो टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर, और ये माइनस का गुणा करेंगे तो पाई बाई फोर के रूप में हमको यहाँ पे आंसर प्राप्त हो गया। ये समाकलन को जो है प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न है साइन क्यूब एक्स, अनिश्चित समाकलन में इस प्रकार के प्रश्नों को बताया था मैंने, लेकिन वहां लिमिट नहीं थी, अब यहाँ पर लिमिट दी है, लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू डीएक्स। तो यहाँ पर जो है चूंकि साइन की घात विषम है, और जब विषम होती है तो हम कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ चेंज करना है, आई इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी। तो जब विषम घात है तो साइन में विषम घात है तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स अवकलन करने पर माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी हो गया। तो यहाँ पर जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ डी टी, ऐसे हम यहाँ पे रख सकते हैं। लिमिट जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस टी स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और ये माइनस ऑफ डी टी। अब चूंकि हमने कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लिया है तो ये माइनस को इधर ला ले हम, तो टी की भी लिमिट हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टी की लिमिट आप देखिए, जब जीरो लेते हैं हम यहाँ जीरो, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो अब लिमिट हो जाएगी यहाँ पर वन, और यदि हम पाई बाई टू लेते हैं तो ये हो जाएगी जीरो, ये लिमिट भी चेंज हो गई हमारी वन से लेके जीरो तक, और ये माइनस का गुणा यहाँ पर कर दें तो ये वन टू जीरो, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस वन और डी टी, माइनस का गुणा यहाँ हमने ब्रैकेट में कर दिया, तो हमको जो है इस प्रकार से वन माइनस टी स्क्वायर के स्थान पे टी स्क्वायर माइनस वन। अब इसका समाकलन कर दें हम, समाकलन करेंगे तो टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी विथ लिमिट वन टू जीरो। तो सबसे पहला काम हमारा जीरो लिमिट रखने का, तो पूरा जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो माइनस, अब हम यहाँ पे रखें वन टू वन बाई थ्री और माइनस ऑफ वन, तो ये माइनस वन माइनस थ्री टू माइनस टू अपॉन थ्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू अपॉन थ्री के रूप में हमको यहाँ पर ये निश्चित समाकलन प्राप्त हो जाएगा जो उसका आंसर है। और खंडशह समाकलन वगैरह पर भी हम कुछ प्रश्न कर सकते हैं, जैसे खंडशह समाकलन में मान लीजिए हमको एक से अधिक प्रश्न दिए हुए हैं, एक से अधिक फलन दिए हुए हैं, तो जैसे हम खंडशह समाकलन में प्रथम समाकलन किसको चुने, ये बात हमको ध्यान देना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आइलेट एक फार्मूला है, उस फार्मूले का प्रयोग के द्वारा प्रथम समाकलन आप सुनिश्चित कर सकते हैं, या फिर प्रथम समाकलन ऐसे समाकलन को चुनना चाहिए जो उत्तरोत्तर अवकलन करने पर शून्य हो जाए, और द्वितीय समाकलन ऐसे समाकलन को चुनना चाहिए जो कि जिसका हमको समाकलन प्राप्त हो। तो फिर से मैं खंडशह समाकलन की बात आ रही है तो यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ, पिछले पीरियड्स में भी बताया मैंने, खंडशह समाकलन
आइलेट एक शब्द है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर एलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनमें से जो पहले आएगा उसको हमको प्रथम फलन लेना है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आई और उसकी लिमिट दी हुई है मान लीजिए 1 से 2 और एक्स लॉग एक्स डीएक्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, लॉग एक्स तो लॉगरिथम फंक्शन है और एक्स जो है एलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ये शब्द में जो है लॉगरिथम पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है लॉगरिथम, तो लॉगरिथम को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हुए लिमिट 1 से 2 लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डीएक्स, तो लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एक्स को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे खंडसा समाकलन का सूत्र, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स और होल ऑफ टी। लिमिट हम बाद में ले लेंगे पूरा हल होने के बाद। लॉग एक्स और ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए 1 अपॉन एक्स और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डीएक्स, ये कैंसिल हो गया। तो इसको हम पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बचेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के। तो इतना हमारा समाकलन प्राप्त हो गया और ये समाकलन की लिमिट है हमारी 1 से लेकर 2 तक। तो सबसे पहले हायर लिमिट, तो हायर लिमिट यदि हम रखें तो 2 रखें तो 2 का स्क्वायर, तो 4/2 लॉग ऑफ 2 माइनस ये 2 × 2 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब 1 लिमिट रखेंगे तो 1/2 लॉग ऑफ 1 एक्स इक्वल टू 1 रखने पर, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 1/4 1 तो 1 का स्क्वायर 1/4 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2 लॉग ऑफ 2 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस ऑफ 1 और लॉग 1 इज इक्वल टू 0 और प्लस 1/4 ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो माइनस 4 प्लस 1 तो 2 लॉग 2 माइनस 3/4 ये हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे खंडसा समाकलन पर भी यदि आधारित प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को भी जो है हम हल कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके यहाँ भी आ सकते हैं या विदाउट लिमिट में भी पूछे जाते हैं कई बार, या फिर सीधे सीधे ये होता है कि उन्हीं प्रश्नों को इधर लिमिट के द्वारा पूछ लिया जाता है तो लिमिट भी हो जाता है और पिछले अनिश्चित समाकलन दोनों के प्रश्न जो है एक से एक। मान के चलिए आपका ये प्रश्न है और मैं समझता हूँ ये ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है, लिमिट दी है 0 से लेकर π तक dx अपॉन 5+4 cos x के, ये प्रश्न है और इस प्रश्न को मान लीजिए आपको हल करना है। इंटीग्रेशन ऑफ i लिमिट 0 से π dx अपॉन 5 × 1, तो 5 यहाँ मैंने लिख लिया आपको 1 को cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 4 और cos 2x का फार्मूला तो cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के रूप में, ये सरसमीका 1 हो गया, ये cos 2x का फार्मूला हाफ एंगल के रूप में। तो लिमिट
जीरो टू पाई डी एक्स अपॉन फाइव कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो नाइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फाइव साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब लिमिट जीरो टू पाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लिया तो नाइन, और ये साइन अपॉन कॉस होके स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट जीरो टू पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स, और ये नाइन तो थ्री का स्क्वायर प्लस टेन एक्स बाई टू पूरी का फुल स्क्वायर, जहां पर टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। तो अवकलन करने पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हमको प्राप्त हो जाएगा, या सीधे ये कहें कि यहां पर हम sec square x by 2 2 dt। अब बात है लिमिट चेंज करने वाली, तो लिमिट भी देखिए आप, जब हम x is equal to 0 रखते हैं, x is equal to 0 तो tan 0 तो हमको 0 ही प्राप्त होगा, 0 upon 2 तो 0, और tan pi by 2 तो यहां पर हमको इन्फिनिटी प्राप्त होगा इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका 2 dt के रूप में, और ये 3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब से ये समाकलन आपका देखिए, समाकलन में हमको यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो रहा है, लिमिट हमको 0 से लेके इंफिनिटी तक है, तो 1 अपॉन ए तो 1 अपॉन 3, और 2 तो पहले से है ही आपका 2 इंटू 1 अपॉन ए तो 2 इंटू 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन ए तो t अपॉन 3, 2 अपॉन 3 ये आ गया, और tan इनवर्स t अपॉन 3 और लिमिट 0 टू इनफिनिटी 2 अपॉन 3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन 3, तो 2 बाई 3 tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2 से 2 तो पाई बाई 3, ये आपको आंसर के रूप में इस समाकलन का हल मिल गया आपको। तो इस प्रकार से जो है इस महत्वपूर्ण प्रश्न को भी आपने हल किया, और भी ऐसे प्रश्न आते हैं 4 प्लस 5 का sec हो जाएगा, या फिर 5 प्लस 4 sin x, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न हो सकता है। तो जो हमने पिछले अध्याय में जो प्रश्न किए हैं उन्हीं को जो है और हमको हल करके लिमिट के द्वारा हल करके देखना है, तो ये आपके निश्चित समाकलन के अंतर्गत है। और एक दो सवाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अति महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू प्लस वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये हमको सवाल दिया है। लिमिट माइनस वन टू प्लस वन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस फोर, तो फाइव को हमने ब्रेक कर दिया वन प्लस फोर के रूप में, माइनस वन टू प्लस वन डी एक्स अपॉन, यहाँ देखिए ये स्क्वायर बन रहा है एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब लिमिट चेंज करेंगे हम तो एक्स प्लस वन इजिक्वल टू टी, तो हमको मिला डी एक्स इजिक्वल टू डी टी। लिमिट में देखिए जब हम माइनस वन रखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, और यदि हम प्लस वन रखते हैं तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो लिमिट हो गई जीरो से लेके टू, और चूंकि डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा है तो डी टी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस
टू का स्क्वायर, फिर से ये फॉर्म हो गया dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में, तो वही 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स t अपॉन 2 x अपॉन a के रूप में, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के 2 तक, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, यहां देखिए t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स, ये तो 0 हो जाएगा, 2 2 1 हो गया, तो 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 तो tan pi by 4 is equal to 1, तो tan इनवर्स 1 is equal to pi by 4, तो ये हमारा 1 अपॉन 2 और हमें मिला pi अपॉन 4, तो pi अपॉन 8 के रूप में जो है हमें इसका निश्चित समाकलन प्राप्त हो गया। तो ये सवाल आपने देखा होगा कि पिछले हमने कठिन समाकलन में किया था, कठिन समाकलन का ही सवाल है, लेकिन वहाँ लिमिट नहीं थी, वो अनिश्चित समाकलन था, ये निश्चित समाकलन है तो आपको लिमिट के रूप में दिया हुआ है, तो ये लिमिट के द्वारा जो है हमने प्रश्नों को करने का तरीका वही है, केवल हमको लिमिट यहाँ पर चेंज करते समय ध्यान रखना है। आपने देखा होगा मैंने लिमिट चेंज किया तो माइनस वन में माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, तो माइनस वन की जगह जीरो हो गया, और जब वन रखा तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो ये इस प्रकार आपको लिमिट चेंज करते आना चाहिए। लिमिट चेंज करते यदि आपको आ गया तो सारे प्रश्नों को आप जो है बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न जनरली आपके 5 नंबर के होते हैं, और मैंने आपको पूरा समाकलन जब पढ़ाया तो पूरे समाकलन में मैंने बताया था कि समाकलन जो है पूरा चैप्टर आपका 13 नंबर का है, इस 13 नंबर में 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है, और 5 नंबर का एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है। तो 6 नंबर के प्रश्नों के लिए जो है आप मानक जो सूत्र बताया था मैंने कल, तो मानक सूत्रों को अच्छे से आप तैयार करिए, उसमें टेन एक्स को भी शामिल कर लीजिए, कॉट एक्स को भी शामिल करिए, सेक एक्स को और कोसेक एक्स, इनके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। जनरली हम टेन एक्स का समाकलन हमको मालूम नहीं होता, तो tan x का समाकलन माइनस log cos x या log sec x के रूप में, उसी प्रकार cot x का log sin x के रूप में, cosec x का और sec x का भी, तो वो 10 फार्मूले और ये 10 cot sec cosec 14 फार्मूले, तो इनमें से आपका जो है सही जोड़ी तैयार हो जाती है। उसके बाद जो है आप 2 नंबर के प्रश्न के लिए कठिन जो अवकलन है, कठिन समाकलन है, उसके अंतर्गत जो हमने जो परिमेय भिन्नों के बारे में बताया है, उस परिमेय भिन्नों में से कोई छोटे से ज्यादा बड़े नहीं, छोटे सवाल वो अति लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं, और 5 नंबर में आपका जो है जो हमने निश्चित समाकलन में आपका दूसरे में जो पढ़ेंगे हम प्रगुण के बारे में, तो प्रगुण नंबर 4 और प्रगुण नंबर 7 के बारे में जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे, तो उसमें जो है आप विशेष रूप से चर्चा करेंगे, तो वो प्रश्नोत्तरी परीक्षा